हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, बॉलीवुड की एक मायावी दुनिया में उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों की निजी जिंदगी पर्दे के पीछे कैसी होती है, ये शायद ही दर्शकों को मालूम पड़ती होगी। ऐसे ही अभिनेता राज किरण ने 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। तस्वीरें देखकर आपने इस अभिनेता को पहचान ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, ये हैं अभिनेता राज किरण, जिन्होंने प्यार का मंदिर, प्यार का देवता जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। ये वही अभिनेता हैं जिन्होंने सुभाष की फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर के पिछले जन्म का किरदार निभाया था, मगर आज राज किरण इस कदर गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अभिनेता की खबर ही नहीं है कि ये कहाँ हैं। एक समय तो ऐसा था, लोग इन्हें मरा हुआ समझ बैठे थे। 5 फरवरी 1949 में मुंबई में एक सिंधी परिवार में जन्मे राज किरण को बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में पहचान मिली, जब साल 1975 में उन्होंने शक बीआर चित्रा की कागज की नाव में अभिनेत्री सारिका के साथ काम किया। के बाद 80 के दशक में राज किरण करीब 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। अपने करियर में उन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिकाओं को स्वीकार किया और अपना नाम बॉलीवुड में स्थापित करवा लिया। 1980 में निर्माता निर्देशक सुभाष हैं कि सुपरहिट फिल्म कर्ज में इन्होंने ऋषि कपूर के पिछले जन्म का किरदार जो निभाया था, जिसे देखने के बाद दर्शक काफी प्रभावित हुए थे। इसके बाद साल 1982 में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ फिल्म अर्थ में इनके काम को सराहना मिली थी। साल 1988 में फिल्म एक नया रिश्ता में अभिनेत्री रेखा के साथ भी इन्होंने काम किया। आखिरी बार राज किरण को साल 1994 में फिल्म वारिस की शेखर सुमन के एक सीरियल रिपोर्ट्स में देखा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कलाकार को पागलखाने में भर्ती कर दिया गया और साल 2003 में वो लापता हो गए। बॉलीवुड में राज किरण को जानने वाले ये मानते हैं कि फिल्मों में काम न मिलने की वजह से राज किरण डिप्रेशन में चले गए, जिसके चलते उन्हें मुंबई के बायखला के पागलखाने में इलाज के लिए भर्ती किया गया। राज किरण के करीबी रहे निर्देशक महेश भट्ट ने साल 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब वे मुंबई के एक अस्पताल में उनसे मिलने गए तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में थे। उस समय महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का वादा भी किया और कोशिश भी की, मगर इस इंडस्ट्री में एक बार किसी के पागल हो जाने की खबर फैल जाए तो कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। महेश भट्ट ने यह भी कहा कि किरण अपने भाई से मिलने अमेरिका चले गए। इसके बाद उनके मरने की खबर बॉलीवुड में फैल गई थी। बॉलीवुड में राज किरण के अच्छे दोस्त रहे ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने साल 2011 में राज किरण को खोज निकालने का मुहिम चलाई। इसमें दीप्ति नवल ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि फिल्मी दुनिया के एक दोस्त की तलाश है, उनका नाम राज किरण है, हमें उनकी कोई खबर नहीं है, आखिरी बार उनके बारे में ये सुना था कि वे न्यूयॉर्क में कैब चला रहे हैं, अगर किसी के पास इसकी कोई जानकारी है तो गुजारिश है कि हमें बताएं। साल 2011 में जब ऋषि कपूर अमेरिका गए तो उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि राज किरण अटलांटा के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां अपने खुद के इलाज के लिए उसी अस्पताल में उन्हें काम भी करना पड़ता है। साल 2011 में राज किरण की बेटी ऋषिका ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि राज किरण लाटा के अस्पताल में वह और उनके परिवार पिछले 8 सालों से न्यूयॉर्क पुलिस और निजी जासूसों की सहायता से राज किरण को तलाश कर रहे हैं। पिछले 17 सालों से यह अभिनेता गुमशुदा है और किसी को इसकी कोई खबर नहीं है। कहा जाता है कि फिल्म छोड़ने के बाद राज किरण के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन का इलाज कराते कराते सारा पैसा खत्म हो गया। ऐसी हालत में परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो इस बेहतरीन अभिनेता के इस गुमनामी के बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इस कलाकार को ढूंढने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।